भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी। मिताली ने सभी को उनके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने लिखा कि वे अपनी दूसरी इनिंग्स पर ध्यान देंगी। हालांकि उन्होंने ये जाहिर नहीं किया कि ये दूसरी पारी क्या होगी। श्रीलंका के खिलाफ जून में होने वाली T20 और वनडे सीरीज के लिए हरमनप्रीत कौर को कप्तान बनाया गया है। मिताली राज ने टीम इंडिया के लिए 26 जून 1999 को डेब्यू किया था। वे पिछले 23 साल से भारतीय टीम के लिए खेल रही थी। 39 साल की मिताली ने टीम इंडिया के लिए 10,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। उन्होंने साल 2000 में भारत के लिए पहला विश्व कप खेला था। सबसे ज्यादा विश्व कप खेलने के मामले में मिताली ने न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर डेबी हॉकली और इंग्लैंड के चार्लोट एडवर्ड्स को पीछे छोड़ा था। मिताली राज के अलावा सचिन तेंदुलकर भारत के लिए एकमात्र क्रिकेटर हैं जिन्होंने 6 विश्व कप खेले हैं। 39 साल की मिताली राज को महिला क्रिकेट का सचिन कहा जाता है। संन्यास लेते हुए मिताली राज ने एक चिट्ठी ट्वीट की है और इसमें उन्होंने लिखा है, भारतीय नीली जर्सी पहनने के लिए मैंने एक छोटी बच्ची की तरह शुरुआत की थी, क्योंकि अपने देश का प्रतिनिधित्व करना सबसे बड़ा सम्मान है। इस यात्रा में मैंने अच्छा और बुरा सब देखा है। हर एक घटना ने मुझे कुछ नया सिखाया है। ये 23 साल मेरे लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण, सुखद और परिपूर्ण रहे हैं। सभी यात्राओं की तरह इसे भी खत्म होना था। मैं आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले रही हूँ।